हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 3 बजे से। और आज हम जा रहे हैं नंदा नगर, क्योंकि मैं 1 महीने से गांव में थी, तब से मैं नंदा नगर नहीं गई। और मेरा कॉलेज भी खुल चुका है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ नंदा नगर। मैं तो बीच में आजकल दादी के साथ ही हूँ, क्योंकि ना मतलब जहाँ हम लोग रहते नंदा नगर में ना, वहाँ बिल्कुल भी 4 महीने बिल्कुल भी धूप नहीं आती यार। इस वजह से मतलब दादी गांव में रहती है 4 महीने, क्योंकि जब तक मेरा कॉलेज था तब तक तो मम्मी लोग थे यहाँ पे, कभी दीदी थी कभी मम्मी थी। लेकिन जैसी मेरा मतलब कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी, तो मैं 1 महीने से दादी के साथ मैं थी गाँव में। और आजकल मतलब मेरी छुट्टियाँ भी खत्म हो गई है, मेरा कॉलेज खुल गया, तो इसलिए हम जा रहे हैं नंदा नगर। और आप लोग को पता ही होगा कि मतलब 18 फरवरी को महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो इसलिए दादी भी मतलब नंदा नगर जा रही है। तो हम सब लोग साथ में मतलब महाशिवरात्रि वहीं मनाएंगे, सब लोग नंदा नगर में ही। और अभी तक मम्मी लोग नहीं आई यार, 3 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आई। मैंने उनके लिए खाना वाना सब कुछ बना दिया है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। जैसे ही पहुँचेंगे देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं वो लोग यहाँ पे। मम्मी लोग मतलब भाई लोग मामा लोग सब लोग आ रहे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं यहाँ पे। और मैं तो मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब 1 महीने बाद जा रही हूँ नंदा नगर। कब से यार मतलब होता है ना, जहाँ मतलब जाते हैं यार कब से, क्योंकि वहीं है मतलब 5 6 7 7 साल से वहीं हम लोग, तो मतलब होता ही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कब से मैं गई नहीं थी। लेकिन मैं तो गाँव में भी मतलब बोर जैसी तो क्या ना, मतलब गाँव में भी वैसे अच्छा ही था, लेकिन मतलब हो जाता है यार थोड़ा बहुत। कब से दोस्तों से मिली भी नहीं, दोस्त लोग का भी फ़ोन आ रहा है कि मतलब रिचा कब आ रही है, तो कॉलेज खुल चुका है और महाशिवरात्रि के लिए डांस वगैरह की तैयारी करने आ जा। तो मैंने सोचा क्यों ना चली जाती हूँ यार। और आज ना सबसे पहले आप लोग का ना दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यार और आप लोग की सपोर्ट की वजह से मेरे फाइनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आप लोग मुझे आगे भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फाइनली आ चुके हैं मम्मी लोग हमको लेने के लिए, और मुझे यहाँ पे बुलाया है कि सामान लेने आ जाए। तो अभी मैं पहले सामान लेने आई हूँ यहाँ पे, ये आ चुके हैं। और वैसे तो भी ये रहे मामा लोग, हम तो जाए हैं। और अब मुझे देखो वहाँ पे सामान के लिए बुलाया है कि सामान लेने आ जाए। तो पहले तो मैं इसको सामान को घर में ले जाऊँगी, तब जाएंगे हम नंदा नगर। पहले ये सब लोग ले जाना है हमने, ये मम्मी है, ये भाई, ये सब लोग हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने हमारा सब कुछ प्लान ख़त्म हो चुका है। मतलब जाना हमने आज था नंदा नगर, लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि ना अभी मतलब पापा का फ़ोन आया कि कहा कि मतलब अंधेरा हो जाएगा तुम लोग को, तो मॉर्निंग में आना, अभी नहीं आना है। और ये देख सकते हैं आप लोग, सब लोग बैठे हैं, अभी दादी बैठी है सामने और वो नानी जी है आग जलाने शुरू करिए, आग जला रही है। और मम्मी बैठे, वो दीपू भी आए हमको लेने, दीपू है वहाँ पे। और हम सब लोग अभी मतलब बैठे हैं, और मैं तो अब जा रही हूँ दूध लेने। क्या करे तब, अब जा रही हूँ जरा घूमने, क्या कर सकते हैं। ये दीपू भी आए हैं घाट से हमको लेने, तो हम जा रहे हैं। और मम्मी भी जा रही है, मम्मी कह रही मैं भी ऊपर के घर जा रही है, तो देख सकते हैं मम्मी भी जा रही है। और अब तो हम कल मॉर्निंग में ही निकलेंगे 8-9 बजे, तो आज तो मतलब जहाँ नहीं पाए क्या करें। तो फ्रेंड्स, ये लोग तो तैयार होकर चले गए, देखो लकड़ी लेके भी जा रहे हैं, क्योंकि ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ ठंडा होता है आजकल, तो शाम से वो आग जलाने के लिए ये लोग मतलब, ये देखो हमने 3-4 कट्टे लकड़ी भर रखे यहाँ पे, ये 3 कट्टे हैं, 1 कट्टा तो मतलब दीपू ले गया है। और अभी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो अभी बर्तन भी नहीं धोए, बर्तन धोने हैं, लेकिन ये लोग नीचे रोड पर रुकेंगे हमें, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। और मम्मी बैठी है वहाँ पे सब लोग। तो फ्रेंड, हम लोग फाइनली तैयार वगैरह हो चुके हैं। वैसे हमने जाना था कल, कल तो वैसे हम तैयार हो गए थे, लेकिन कल शाम को जैसे पापा का फ़ोन आया, पापा ने कहा कि मतलब अभी मत आना, मतलब 5 बज गए थे यार, पापा ने कहा सिर्फ मॉर्निंग में आना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मॉर्निंग में, अभी 9 बज गए हैं। तो मम्मी तो आ रही है अंदर, है शायद मम्मी ताली लगा रही है, और हम तो इधर शॉर्टकट से जाएंगे। गाड़ी तो नीचे रोड पे खड़ी है, वहाँ पे से अभी मतलब हमें आगे भी मिलेगी गाड़ी, तो अभी हम यहाँ से शॉर्टकट जाएंगे वहाँ पे, मतलब गाड़ी हमें मिल जाएगी, क्योंकि दादी है ना, दादी मतलब यहाँ से नहीं चल पाती है, इधर से नहीं चल पाएगी अभी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पानी का अजीब जैसा और रास्ता ख़राब है इधर। तो हम लोग इधर से जा रहे हैं अभी शॉर्टकट रास्ता। तो ये देख सकते हो, आजकल अब कोई नहीं है, अब आएंगे हम सीधा शादी के लिए, भैया की शादी के लिए आएंगे। और दादी और मम्मी तो जा रही है अभी इधर से, गाड़ी तो अभी आई है नहीं, शायद नीचे रोड पे खड़ी है, तब तक हम आगे चले जाते हैं इधर से शॉर्टकट। हम पढ़ते क्या जागो। तो फ्रेंड, देख सकते गाड़ी भी आ गई हमें लेने के लिए नीचे पे, तभी पहुँचे ही नहीं रोड पे, लेकिन पहुँच ही जाएंगे अभी। और मम्मी लोग तभी बहुत पीछे हैं, देख दिख भी नहीं रहे, अभी बहुत पीछे हैं।
तो मैं मतलब फाइनली रोड पे भी आ गई है, हमें यहाँ पे वेट किया जा रहा है। ये रही गाड़ी, ये दीपू लोग बैठे यहाँ पे और मम्मी लोग तो अभी आए भी नहीं, लेकिन मैं आ गई पहले। जब भी आएगी मम्मी आ ही जाएगी, दादी लोग तो अभी आई नहीं, ये दीपू लोग हैं। फाइनली देख सकते हैं आप लोग, मम्मी लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, दादी और मम्मी भी आ रही है अभी इधर से। और अब यहाँ पे बैठते हैं हम लोग भी गाड़ी में, निकलते हैं नंदा नगर के लिए, क्योंकि एक महीने बाद जा रही हूँ मैं नंदा नगर। एक महीने से मैं गांव में थी और आ रही है मम्मी लोग घर पे, दादी और मम्मी भी। निकलते हैं हम लोग भी, उसको पीछे रख दे बैग को। हाँ यार, ऊपर तो जगह है नहीं, छत में तो बिल्कुल भी जगह नहीं, क्योंकि सारी लत्तियाँ वगैरह कपड़े वगैरह। तो हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए और दादी भी बैठ गई है आगे वाली सीट पे, दादी बैठ गई है और हम लोग तो पीछे बैठते हैं। चल आगे, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, खिड़की की तरफ से मैं बैठ रही हूँ। तो चलो हम लोग बैठते हैं। ना हम तो निकल गए हैं अपने गांव से, अब दूसरी बार गांव आ गए हैं। अभी तक मतलब यहां पे पुल का तो बना ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक, लेकिन पहले से कुछ ज़्यादा काफ़ी बन चुका है। आप लोग देख सकते हैं काम तो चल ही रहा है यहां पर अभी। इससे अगले चक्कर जब मैं आई थी तो उस टाइम पे मतलब काम नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब काम स्टार्ट हो चुका है, मतलब काम करने लगे लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे गांव की लड़कियां हैं, मतलब यहाँ से घूम ही जाते हैं स्कूल, ये बच्चे देख सकते हैं स्कूल जा रहे हैं। ये सब बच्चे देखो दौड़ दौड़ के जा रहे स्कूल, इनको तो शायद लेट हो चुकी है तो ये दौड़ रहे। बाय। बच्चे लोग स्कूल के लिए मतलब यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे पे रहा स्कूल वहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहा अभी स्कूल, लेकिन वहाँ नीचे में सामने स्कूल है। सब लोग घूनी रावणी सब यहीं स्कूल में आते हैं, चौनघाट स्कूल, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तो सब लोग वहीं पढ़ते हैं स्कूल। ये बच्चे मतलब आ रहे हैं अभी सब लोग। फाइनली हम मतलब रावणी भी पहुंच गए हैं, रावणी मतलब मेरी दादी का माई का यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब दादी के मतलब वो रहते हैं, भाई लोग हैं यहाँ पे। तो दादी तो अभी फिलहाल पहले अपने दादी लोग भाई लोग से मिलेगी यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे है मतलब ये है यहाँ पे दुकान। ये दादा, दादा प्रणाम।
ये दादाजी रहे मेरे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ नंदा नगर। ये है कुमारतोली, लेकिन हालत खराब हो चुकी है हमारी गाड़ी में। इतनी हालत खराब कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, क्या करें। दादी की तो कुछ ज़्यादा ही हालत खराब हो गई है, मेरी भी उतनी हो चुकी है। देख सकते हैं इधर तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली अभी भी। हमारी साइड तो अब 1 बजे से पहले धूप आती ही नहीं। हम पहुंच गए फाइनली अपने घर पे। फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और देख सकते हैं सबकी हालत भी ख़राब हो चुकी है ना। क्या ही बोले, क्या सब लोग की मम्मी भी है और करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।